Assalamualaikum, hello everyone, welcome to my another video. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन और चने की दाल के बहुत ही जूसी एंड क्रिस्पी कबाब की रेसिपी. उसके लिए हमें क्या लेना है देख लेते हैं. तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन और ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया था. और देखिए ये मैंने ली है 1 कटोरी चने की दाल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ मैंने लिया है एक कुकर. कुकर में हम डालेंगे चिकन जिसे मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से. और जो ये चिकन के कबाब बन रहे हैं ना, जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ चिकन के कबाब का, ये इतना कोई टेस्टी है ना, अंदर से जूसी ऊपर से क्रिस्पी, इतने टेस्टी मज़ेदार हरी चटनी के साथ खाने वाले चटपटे कबाब बनते हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त. और ये जब ही बनेंगे जब आप मेरी फुल वीडियो वॉच करेंगे, वरना एक भी क्लिप मिस हो गई तो वैसे नहीं बन पाएंगे. तो देखिए यहाँ मैंने चिकन लिया है, एक अनियन ले ली है मीडियम साइज़ की, उसे मैंने डाल दिया था रफली कट करके. 1 teaspoon सॉल्ट डाला है, 1/2 teaspoon टर्मरिक डाली है और देखिए 1.5 teaspoon यहाँ मैंने डाले हैं चिली फ्लेक्स. और यहाँ मैंने जो चना दाल ली थी वो भी मैंने वॉश करके इसमें ऐड कर दी है. और इसमें मैंने डाला है पानी डालूंगी यहाँ मैं 1/2 cup. देखिए चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करता है, इसलिए 1/2 cup पानी इनफ है. और यहाँ मैंने डाला है 1 teaspoon ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा जो है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है. तो 1 teaspoon यहाँ मैं वाइट ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें. और इसको हम ढक कर सीटियाँ ले लेंगे अच्छे से हमारा और देखिए चिकन हमारा गल चुका है, दाल भी गल चुकी है. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे कूट लेंगे कुकर के अंदर. और ये ठंडा हो चुका है और जो आपको इसमें पानी नज़र आ रहा होगा ना, वो सब जो है ये जब कूट जाएगा, सब अच्छे से पिस जाएगा ना, तो सब ये जज्ब कर लेगा. देखिए ये हमने पीस लिया है अच्छे से और थोड़ा दरदरा सा रेशेदार बनेगा ये, बड़े ही अच्छे कबाब बनते हैं ऐसे. और इसके बाद मैंने जो है इसमें डाली हैं 2 onion. इन्हें मैंने चॉप कर लिया था अनियन को बहुत बारीक चॉपर में डालकर. और इसमें मैंने डाली हैं 2 green chili और कोरिएंडर, इन्हें भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने. अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस. इसमें मैंने डाला है 1 teaspoon रेड चिली पाउडर और 1 teaspoon सॉल्ट ऐड करूँगी यहाँ पर मैं. और देखिए सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड पहले ही कर चुके थे, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा स्पाइसेस अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है. इसमें हमने बहुत स्पाइसी इसे बना लिया है, मतलब इतना स्पाइसी नहीं है, अच्छा मतलब जैसे टेस्ट होता है ना स्पाइसी से कबाब होते हैं वैसे बने हैं ये. अगर आप चाहें ज़्यादा स्पाइसी खाते हों तो गरम मसाला भी ऐड कर लें. और अब हम देंगे इसे शामी कबाब बनाएंगे और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे हम. देखिए कुछ इस तरह से ऐसे हमें बनानी है. और देखिए हमारा जो ये तैयार हुआ है ना कीमा, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सा अंदर से जूसी कबाब बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी. और इसमें जो है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके कबाब टूटेंगे या फिर कुछ आपको अंडा एग जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें. इसी मेथड के साथ आप बनाएंगे ना बिल्कुल नहीं टूटेंगे. देखिए बड़े ही ज़बरदस्त बनकर टिक्कियाँ सारी तैयार हो गई हैं. अब हम करेंगे इन्हें शैलो फ्राई. तो चलिए हमने एक ले लिया है बड़ा सा तवा ले लिया है और पैन ले लिया है, उसमें देखिए हमने ऑयल डाल दिया है. मैंने इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो सरसों का ऑयल या जो भी घी आप जिसमें फ्राई करना चाहें उसमें आप शैलो फ्राई कर लें. और मैं इसे पलट पलट कर अच्छी तरह से इसके कबाबों को सेकूंगी, क्रिस्पी करूंगी. देखिए कितने शानदार लग रहे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से कबाब, मज़ेदार से. तो चलिए इसे कर लेते हैं डिश आउट. तो देखिए मज़ेदार से टेस्टी से बहुत ही फ्लेवरफुल हमारे चिकन के शामी कबाब तैयार हो गए हैं. और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है, आप इसे एंजॉय करती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें. मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज.